जानें पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पौराणिक महत्व और इतिहास को। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के पौराणिक महत्व, उनका इतिहास और भारत में कहां कहां स्थित हैं भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित सोमनाथ मंदिर की, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस वीडियो को अभी लाइक कर लें। दोस्तों, पूरे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिनमें से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को गणना के अनुसार प्रथम माना गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह नामक स्थान पर स्थित है। तो आइए अब जानते हैं इस मंदिर के पौराणिक महत्व और इतिहास तथा साथ ही भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह उन्होंने सोमदेव अर्थात चंद्रदेव से कराया था। लेकिन इस विवाह के बाद चंद्रदेव का प्रेम अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी के लिए ही ज्यादा था। इस कारण बाकी 26 राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियां इस बात से नाराज रहती थी। एक दिन इस बात को 27 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को बताई और अपनी यह पीड़ा उनके सामने जाहिर की। तब वे चंद्रदेव से मिले, उन्हें समझाया, सब पत्नियां एक समान होती हैं, सभी के लिए दिल में प्रेम एक समान होना चाहिए। लेकिन उनकी यह बात चंद्रदेव को समझ में नहीं आ रही थी और वे रोहिणी के ही प्रेम में खोए रहते थे, और चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी। चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी के साथ ही रहा। इसे देख राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और आखिरकार उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे डाला कि जाओ, आज से तुम्हारे चेहरे का तेज कम हो जाएगा। श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। पृथ्वी पर रात्रि के समय अपनी शीतलता की वर्षा न कर पाने से पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। क्षय रोग से ग्रस्त चंद्रदेव बहुत दुखी और चिंतित थे कि कैसे श्राप से मुक्ति पाए। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने देवराज इंद्र, ऋषि वशिष्ठ तथा अन्य ऋषि मुनियों के बाद अंततः ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। चंद्रदेव की सारी बातों को जानकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, किसी पवित्र स्थान पर जाकर देवों के देव महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो और वही इसका निवारण कर सकते हैं और इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्रदेव महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना के लिए एक पवित्र स्थान पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इस तपस्या को देख भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया, साथ ही कहा, चंद्रदेव तुम चिंतित न हो, मेरे इस वरदान से तुम्हें श्राप से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ में प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में प्रत्येक दिन तुम में तेज धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में उसी तरह तेज की प्राप्ति होगी और इस तरह हर एक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व की प्राप्ति होगी। इस वरदान के मिलते ही चंद्रदेव के साथ साथ संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो उठे। इस श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव सहित अन्य सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर देवों के देव महादेव शिव और माता पार्वती की आराधना की और कहा कि आप सदा हम सब प्राणियों की रक्षा और कल्याण के लिए यहाँ निवास करें। तब इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ स्वयं महामृत्युंजय भगवान शिव निवास करने लगे, जिसे हम भगवान सोमनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये तो थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। अब बात करते हैं यहाँ प्रचलित धार्मिक मान्यता के बारे में। यहाँ पर ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यशस्वी चंद्रमा और सभी देवताओं ने मिलकर सोम कुंड की स्थापना की और इस कुंड में स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जो मनुष्य इस चंद्र कुंड में स्नान करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाता है। साथ ही इस कुंड में रोजाना 6 माह तक बिना नागा स्नान करने से क्षय आदि असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और वह स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि सोमेश्वर भगवान शिव साक्षात यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसलिए भगवान सोमनाथ की पूजा, दर्शन और उपासना से भक्तों को क्षय और कोढ़ आदि रोगों से मुक्ति मिलती है और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की।
सोमनाथ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर का अस्तित्व कई ईसा पूर्व का है। मंदिर का पुनर्निर्माण दूसरी बार 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था। 8वीं सदी में इसे पुनः सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने अपनी सेना को यहाँ भेजकर नष्ट कर दिया। तीसरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने कराया। इस पवित्र मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, जिसका जिक्र अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में किया। और इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपनी सेना के साथ हमला बोल दिया और मंदिर में चढ़े सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरातों को लूट लिया। साथ ही मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में रहे भक्तों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो लूटी गई संपत्ति के साथ अपने देश गजनी चला गया। आज भी सोमनाथ मंदिर का भग्नावशेष समुद्र के किनारे विद्यमान है। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ न सका तो गुस्से में शिवलिंग को चारों तरफ से आग लगवा दी और मंदिर में स्थित नीलमणि के 56 खंभों में जड़ित हीरे मोती और कई प्रकार के रत्नों को लूट लिया और मंदिर को नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण से खंडित मंदिर का पुनर्निर्माण राजा भीमदेव ने कराया और इस मंदिर की प्रतिष्ठा पवित्रीकरण के लिए 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने अपना पूरा सहयोग दिया। सन 1168 में जब विजेश्वर कुमार पाल ने जैनाचार्य हेमचंद्र सरी के साथ सोमनाथ की यात्रा की तब उन्होंने इस मंदिर का सुंदरीकरण करवाया, लेकिन सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसे दोबारा नष्ट किया और खिलजी के सेनापति रहे नुसरत खान ने यहाँ की संपत्ति को फिर से लूटा। यह सिलसिला रुका नहीं, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने भी सन 1395 में इस मंदिर को लूटा और इसे नष्ट किया। इसी तरह सन 1413 में अहमद शाह ने आक्रमण कर यहाँ तबाही मचाई और तहस नहस किया। देश की आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनः सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण ज्योतिर्लिंग स्थापित कर कराया गया और पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर 1962 में पूरी तरह से निर्मित हो गया। जामनगर की राजमाता ने 1970 में अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में दिग्विजय द्वार का भव्य निर्माण कराया। इसी द्वार के करीब राजमार्ग है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा भी यहाँ लगी है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा देखा जाता है। यह तीर्थ स्थल चैत्र भाद्र कार्तिक माह में पितृगणों के श्राद्ध का विशेष महत्व रखता है और नारायण बलि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ हिरण कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का महासंगम होता है। हाँ, चैत्र भाद्र कार्तिक माह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचा जाए। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल में स्थित है। यह स्थान कई नामों से जाना जाता है, जैसे वेरावल, सोमनाथ पाटन, प्रभास, प्रभास पाटन आदि। सोमनाथ मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल में है और यह स्टेशन कोंकण लाइन पर पड़ता है, जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वेरावल रेल मार्ग मुंबई से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के सबसे नजदीक एयरपोर्ट्स हैं दीव, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा। दोस्तों, पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन, महत्व और इतिहास से जुड़े इस वीडियो में यदि हमसे कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें, इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें और हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें। जय श्री महाकाल।